शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का आंशिक असर शनिवार को भी देखने को मिला। महानगर के विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन कहीं कहीं सड़कों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा, जिसमें छात्र संघ चौराहा, पैडलेगंज चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हरिओम नगर तिराहा, इंदिरा बाल विहार तिराहा पर आंशिक कर्फ्यू का असर देखने को मिला। वहीं चेतना तिराहे पर वाहनों का चेकिंग किया गया। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि महानगर की 41 जगहों पर बैरिकेटिंग किया गया है तथा 10 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और हर जगह पर मुस्तैदी से चेकिंग किया जा रहा है और जो बिना मतलब के घर से निकल रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर वाहनों का चालान किया जा रहा है तथा जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भी आदेश दिए गए हैं उसका समय समय पर पालन करें और अपने अपने परिवार को इस महामारी से बचाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ज़्यादा वसूली कर रहे हैं, दवाई की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, कोई भी कोरोना एवं दवाइयों से सुविधाओं से रिलेटेड सूचना दे सकते हैं उसके पुलिस सर। आज आपके द्वारा सर अभियान चलाया गया सर, लोगों से वाहन चेकिंग कर लोगों से अपील भी की गई है, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, इसमें कुछ लोग ऐसे भी है कि जरूरत बिना जरूरत निकल रहे हैं शादी के नाम से और सामान लाने के नाम से, तो हमने पहले भी जारी किया एडवाइजरी कि 6 से 10 सुबह परचून की दुकान और दूध के दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान खोल सकते हैं। 10 से 5 पूरी तरह से बंद रहेगा 100%, 5 से 8 फिर रिलैक्सेशन किया गया, बट वो सिर्फ और सिर्फ हम एसेंशियल गुड्स का ही, मतलब सामान का ही, परचून की दुकान, दूध, सब्जी, फल की, बाकी 24 घंटे मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें जो उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज हमने 41 जगहों पर चेकिंग करी है, इसके अतिरिक्त 10 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं शहर के अंदर, जो डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए, और हर जगह मुस्तैदी चेकिंग की गई है और गाड़ियों को भारी मात्रा में सीज किया गया और पुलिस लाइन्स में लेके जाए गए हैं। जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन पर भी चालान किए जा रहे हैं, मास्क का चालान किया जा रहा है, और अगर उनकी गाड़ी सीज की जा रही है, अगर वो बिना मतलब के घर से बाहर निकले तो गाड़ी भी सीज की जा रही है। जनता से अपील ये करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं समय समय पर उनका पालन करें और अपने आप और अपने परिवार वालों को इस महामारी से बचाएं, बेवजह बाहर न निकले घर पर।